जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। साधना का सर्वोत्तम सूत्र है भाव शुद्धि। साधना करने वाले ध्यान का प्रयोग करते हैं, मन की चंचलता को कम करने का प्रयत्न करते हैं, मन की एकाग्रता सज जाए यह उनका इष्ट होता है। यह एक प्रथम भूमिका है। ध्यान की अग्रिम भूमिका है भाव शुद्धि का अभ्यास। यह सर्वोत्तम ध्यान है। भाव शुद्धि रहे, भाव शुद्धि का हेतु है भाव सत्य। भाव सत्य है तो भाव शुद्धि रहती है, भाव असत्य है तो भाव अशुद्धि रहती है। बहुत बार यह प्रश्न होता है कि यह नकारात्मक भाव क्यों आते हैं। नकारात्मक भाव भाव अशुद्धि है, सकारात्मक भाव को हम कह सकते हैं भाव शुद्धि। तो प्रश्न यह है कि यह नकारात्मक भाव क्यों आते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि भाव अच्छा रहे, फिर भी नकारात्मक भाव आ जाते हैं, कभी बिना मतलब हिंसा का भाव आ जाता है, बिना मतलब चोरी का भाव आ जाता है। एक संपन्न आदमी जिसके पास कोई कमी नहीं है और वह दूसरे की चीज को चुरा लेता है, चुराई गई वस्तु का मूल्य चाहे 1,00,000 है और उसके पास करोड़ों की संपत्ति है, फिर भी उसको चुरा लेता है। अब इस आदत का विश्लेषण करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि उसे कोई वस्तु की अपेक्षा नहीं है, किंतु भीतर का भाव शुद्ध नहीं है, उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, इसलिए वह अनायास चोरी कर लेता है, बिना अहेतुक चोरी। एक चोरी वह चोर करता है जिसके पास खाने को नहीं है, गरीब है, या परिवार चलाने के लिए कुछ चाहिए, व्यवस्था में चोरी करता है। वह तो बात समझ में आती है, अभी चोरी करने का उसके सामने कारण है, किंतु एक वह व्यक्ति जो सर्वसंपन्न है, सब कुछ प्राप्त है, फिर भी चोरी कर लेता है, ऐसे लोगों को देखा गया, ऐसे लोग पकड़े भी गए कि जिनके पास बहुत है पर दूसरे की वस्तु देखती है तो उठा लेती है। एक प्रकार का ये पागलपन है। ये पागलपन कहाँ से आता है? एक युवक को देखा जो अच्छे घर का, संपन्न घर का, पर दिन भर गलियों में घूमता, जो भी कुछ पड़ा होता उसे उठा लेता, शाम तक ये सारी जेबें इतनी भारी हो जाती और घूमता रहता। कारण का एक पागलपन। तो पागलपन के अनेक प्रकार हैं। यह भी एक पागलपन है कि दूसरे की वस्तु पर जी ललचा जाता है।
बड़े बड़े लोगों में लालसा जाग जाती है। चोर वकील से बात कर रहा था कि वकील साहब, आपको मेरा जो केस लड़ना है। तो वकील ने कहा, क्या दोगे? क्या दूं, मेरे पास कुछ नहीं है। तो बताओ, ये केस किस बात को लेकर है? कि मैंने कार चुरा ली थी, उसको लेकर है, मैं कार आपको दे दूं। वकील राजी हो गया केस लड़ने पर। अब जिस कार को लेकर केस चल रहा है, वही कार वह देने की बात कहता है, और अगर सामने वाला व्यक्ति इस पर राजी हो जाए तो फिर ये लगता है कि भाव शुद्धि नहीं है। यदि भाव शुद्धि हो तो अनैतिकता की बात बहुत समाप्त हो जाए। अब भाव अशुद्ध क्यों होता है? नकारात्मक भाव अकारण क्यों आता है? उसका एक कारण बतलाया कि भाव असत्य है तो भाव अशुद्ध होगा, नकारात्मक होगा, और भाव शुद्ध है तो भाव सकारात्मक होगा, भाव शुद्ध होगा। एक प्रश्न है, हर व्यक्ति धर्म की आराधना नहीं करता, धर्म को मानता है, कभी कभी जानता भी है, पर धर्म की आराधना नहीं करता। धर्म की आराधना कौन कर सकता है? कि भाव विषोही ये वर्तमाने जीवे, अरहंत पन्नतस्य धम्मस्य आराहणाय अभुट्ठेयी। ये जो वीतराग धर्म है, उस वीतराग धर्म की आराधना कौन करता है? कि जो भाव शुद्धि में रहता है, भाव शुद्धि में जो नहीं रहता वह वीतराग धर्म की आराधना नहीं कर सकता। यानी राग द्वेष को कम करने वाले धर्म की, अथवा जिस धर्म के द्वारा राग द्वेष को कम किया जा सकता है, उस धर्म की आराधना वह नहीं कर सकता जिसमें भाव शुद्धि नहीं है। भाव सत्य, भाव शुद्धि और धर्म की आराधना। और चौथी बात और है कि वह जो भाव शुद्धि से करता है, परलोक धम्मस्य आराहणाय अभुट्ठेयी। परलोक धर्म की आराधना कौन करता है? एक धर्म की आराधना लौकिक होती है, एक परलोक की, यानी अगले जन्म का कल्याण कौन कर सकता है? अगला जन्म मेरा अच्छा बने, मैं कहीं नीचे न जाऊं। चार गतियां है, नरक, तीर्यंच, पशु योनि, पशु पक्षी आदि, मनुष्य और देव। नरक को अप्रशस्त गति माना गया है, तीर्यंच गति भी अप्रशस्त है। और मनुष्य में दोनों हो सकते हैं, मनुष्य में देव में भी हो सकता है, प्रशस्त और अप्रशस्त, सुगति और दुर्गति दोनों हो सकते हैं। यह सोचे कि मैं अगले जन्म में अप्रशस्त गति में न जाऊं, जो आज मैं इतना ऊंचा उठ गया, मनुष्य बन गया, मुझे धर्म का संबोध मिला है, मैं मरने के बाद उस गति में नहीं जाऊं जो नीची गति नरक या तीर्यंच है, अथवा मनुष्य में भी जो अप्रशस्त है, जहाँ धर्म की सुविधा सुलभता नहीं है, वहाँ न जाऊं, प्रशस्त गति में जाऊं। यह है परलोक का चिंतन, परलोकस्य, परलोक की आराधना का चिंतन है कि मेरी गति नीचे न हो। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है एक धार्मिक के सामने कि मैंने धर्म को समझने का प्रयत्न किया है, धर्म की साधना कर रहा हूँ, तो एक मुख्य लक्ष्य मेरा होना चाहिए कि मैं ऐसा कोई भी आचरण नहीं करूँ जिससे और हेठा जाना पड़े, नीचे मुझे जाना पड़े। अब ऊपर उठ गया, अभ्युत्थान कर लिया, ऊर्ध्वगमन हो गया, ऊर्ध्वारोहण हो गया,
अब मैं नीचे न जाऊं, विकास के बाद अविकास की दशा में न जाऊं, इतना विकास कर चुका अब नीचे नहीं जाऊं। यह है परलोक धर्म का चिंतन। और परलोक धर्म का आराधक कौन होता है? हम उल्टे चले, परलोक धर्म का आराधक कौन होता है? जो वीतराग धर्म की साधना करता है, आराधना करता है। और वीतराग धर्म की आराधना कौन करता है? जिसमें भाव शुद्धि होती है। और भाव शुद्धि कहाँ से होती है? कि भाव सत्य से होती है। दोनों तरफ से क्रम और व्युत्क्रम से देख लो, क्रम से चलो तो भाव सत्य होगा तो भाव शुद्धि होगी, भाव शुद्धि है तो वह वीतराग धर्म की आराधना होगी, और वीतराग धर्म की आराधना होगी तो वह परलोक का हित होगा, परलोक का की आराधना होगी। और परलोक व्युत्क्रम से चलो तो परलोक की आराधना, धर्म की आराधना, भाव शुद्धि और भाव सत्य। एक बहुत आध्यात्मिक पथ दर्शन है। कोई व्यक्ति अध्यात्म की दिशा में विकास करना चाहता है, वह चाहे और कुछ भी न करे, न श्वास परीक्षा का प्रयोग करे और न करे, कुछ भी न करे, करना तो पड़ेगा वह, पर भाव शुद्धि की भूमिका तक पहुंच जाए और यह रहे कि 24 घंटा में कितने घंटा मेरा भाव शुद्ध रहता है और कितने घंटों में भाव अशुद्ध बनता है, इसका विवेचन करता रहे तो भी एक अध्यात्म की ऊंची भूमिका तक पहुंच सकता है। बहुत जरूरी है यह विवेचन, पर साधारण व्यक्ति कर नहीं सकता, भाव शुद्धि की बात सोच नहीं सकता कि भाव अशुद्ध न आए, मेरा भाव अशुद्ध न हो। सामने भोजन आया और लोलुपता आ गई, भाव अशुद्ध हो गया। कोई शब्द सुना और मन में एक आकांक्षा पैदा हो गई, भाव अशुद्ध हो गया। तो जितने इंद्रियों के विषय हैं और जितने मन के कार्य हैं, उनसे अलग रहकर और ये चिंतन करें कि मैं वीतराग धर्म की साधना कर रहा हूँ और भाव शुद्धि वीतरागता के बिना संभव नहीं, या भाव शुद्धि के बिना वीतराग धर्म की साधना संभव नहीं। जिसका अशुद्ध भाव है वह रागात्मक धर्म की आराधना कर सकता है, किंतु वीतराग धर्म की आराधना उसके लिए संभव नहीं है। हमें इसको समझना है, गहराई से समझना, जानना है, क्यों जाने बिना यह तथ्य सामने नहीं आता। तथ्य नहीं, सत्य, तथ्य तो बहुत सामने आ जाते हैं, सत्य सामने नहीं आता। सत्य का ज्ञान हमें होना चाहिए कि सत्य का संबंध मोह विलय से जुड़ा हुआ है, उसका तात्पर्य है वीतरागता से जुड़ा हुआ है। और जब इसका हमें ज्ञान ही नहीं है तो यह काम हो नहीं सकता। जो नहीं जाने वे कैसे कर सकता है? विद्यार्थी से पूछा, शिक्षक ने पूछा कि ये पत्थर तैरता क्यों नहीं, पत्थर डूब क्यों जाता है? बोला, मास्टर साहब इतनी सीधी बात आप नहीं जानते, वह तैरना नहीं जानता इसलिए डूब जाता है, जो तैरना जानता तो पास चला जाता। तैरना जाने यानी धर्म को भी हम जाने, कि जहाँ राग द्वेष है वहाँ धर्म नहीं हो सकता। धर्म है वीतरागता, राग द्वेष तो एक सामाजिक प्रवृत्ति है, समाज में चलता है। और अगर धर्म में भी राग द्वेष है तो फिर धर्म और समाज दो अलग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सामाजिकता धार्मिकता दोनों एक हो जाती हैं। एक मार्ग है राग द्वेष के सहारे चलता है, एक मार्ग है जो राग द्वेष मुक्त वीतराग चेतना के सहारे चलता है, और उसके लिए भाव शुद्धि अनिवार्य है। अब हम साधना पर विचार करें। सिद्धांत तो समझ में आ गया, हमारा ज्ञान मिट गया, अब भाव शुद्ध कैसे हो सकता है, भाव सत्य भी कैसे रह सकता है,
अरे वह मोह का विलय भी कैसे हो सकता है? यहां हमें मन वचन शरीर का सहारा लेना होगा कि मन भी शुद्ध हो, वचन भी शुद्ध हो और शरीर की प्रवृत्ति भी शुद्ध हो, तो वह भी कैसे शुद्ध हो? फिर प्रश्न वही रहेगा, ऐसा कौन सा समर्थ साधन है जिससे इनमें अशुद्धि न आए, आश्रवण न हो कर्म का, हम निरोध कर सके? और जब तक निरोध नहीं करते तब तक पूरा काम नहीं होता, शुद्धि करते हैं फिर अशुद्धि हो जाती है। झाड़ू निकाला, आंगन को साफ कर दिया, पर दरवाजा खुला है, फिर आंधी आई और फिर रेत से भर गया। शुद्धि के साथ हमें निरोध की जरूरत है, उसके लिए हम बहुत गहराई से चिंतन करें। तो निरोध का एक शक्तिशाली साधन है श्वास का संयम या श्वास का विचय, श्वास विचय। जो व्यक्ति श्वास पर विचय करता है, श्वास का विवेचन करता है या श्वास को जानता है, देखता है कि श्वास आ रहा है, जा रहा है, श्वास ले रहा हूँ, श्वास पर जैसे ही मन टिकाया, मन की चंचलता भी कम, शरीर की प्रवृत्ति भी कम, वाणी की प्रवृत्ति भी कम, और अशुद्ध भाव का निरोध और भाव सत्य मोह विलय का उपक्रम, बहुत बड़ा साधन है मोह विलय का। श्वास संयम या कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग से संवर भी होता है, निर्जरा भी होती है, निरोध भी होता है और शोधन भी होता है, दोनों होते हैं। श्वास संयम से भी यही होता है। हमारे श्रोताओं में कुछ वृद्ध हैं, कुछ युवा हैं और सामने विद्यार्थी बैठे हैं, छोटी अवस्था वाले, वे अपनी पढ़ाई के साथ या युवा और जो प्रौढ़ हैं, वे अपनी प्रवृत्ति के साथ श्वास देखने की कला को सीख जाएं, तो शायद उनकी सारी वृत्तियां बदल सकती है। जो छोटी हैं, विद्यार्थी हैं, ज़्यादा समय नहीं लगा सकते, वे कम से कम दिन में 10 मिनट दो बार 10-10 मिनट श्वास, केवल श्वास की प्रेक्षा करें, श्वास को देखने का अभ्यास करें, तो उनका व्यवहार और चरित्र बदल जाएगा। जो युवा और प्रौढ़ हैं, युवा हैं, वे व्यापार में संलग्न हैं, ज़्यादा समय नहीं लगा सकते, तो कम से कम दिन और रात में आधा आधा घंटा श्वास देखने का अभ्यास करें, उनका व्यवहार चरित्र भी बदल जाएगा। और जो वृद्ध हैं, कार्य से निवृत्त हैं, वे अगर दिन में 4 घंटा का ये अभ्यास करें कि 4 घंटा श्वास को देखना है, श्वास पर ध्यान टिकाना है, मन शांत, मोह कम, भाव शुद्ध, सब एक आनंद का जीवन हो जाएगा। फिर न कोई कष्ट होगा, न चिड़चिड़ापन होगा, न क्रोध आएगा, कुछ भी नहीं होगा, एक अच्छा जीवन हो जाएगा। एक श्वास साधना की या भाव शुद्धि की प्रथम भूमिका, 4 घंटा तक श्वास का निरीक्षण करें तो भाव शुद्धि की प्रथम भूमिका या भाव सत्य की प्रथम भूमिका, और 8 घंटा करें तो वे मध्यम भूमिका भाव शुद्धि की, मध्य भूमिका 8 घंटा। और जो व्यक्ति 12 घंटा श्वास की साधना करे तो वे भाव शुद्धि या भाव सत्य की उच्च भूमिका, उच्च, मध्यम और प्राथमिक, 4 घंटा, 8 घंटा और 12 घंटा, ये 3 भूमिकाएं बनती है। 12 घंटा तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत जटिल है। श्वास देखने बैठता इतने में और कुछ आ जाता है। श्वास के साथ जीना बड़ा कठिन है, श्वास के बिना तो आदमी नहीं जीता,
किंतु श्वास के साथ जीना और जानबूझकर श्वास लेना, जानते हुए श्वास लेना और जानते हुए श्वास छोड़ना बहुत कठिन बात है, किंतु जो व्यक्ति साधना की दृष्टि से 4 घंटा का समय, मध्यमिक भूमिका में 8 घंटा और उच्च भूमिका में 12 घंटा करता है, उसके लिए तो फिर सर्वार्थ सिद्ध, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं, सर्वार्थ सिद्ध की भूमिका है, सब प्रयोजनवान सिद्ध हो जाते हैं। जो लोग केवल साधना की दृष्टि से नहीं सोचते और अच्छा जीवन जीने की दृष्टि से सोचते हैं, उनके लिए भी जरूरी है कि वे 1 घंटा का समय अवश्य लगाए। 1 घंटा एक साथ न लगा सके तो 2 बार में आधा आधा घंटा, और फिर भी और एक न लगा सके तो 3 बार में कर सकते हैं 20-20 मिनट। 3 बार में श्वास के साथ रहें, एक नया अनुभव होगा। कोई व्यक्ति 1 वर्ष का प्रयोग करे और फिर उसको पता चलेगा कि कैसा है, तो यह प्रेक्षा ध्यान की एक भूमिका, जिसको श्वास साधना की भूमिका कहा जा सकता है। श्वास साधना की केवल कायोत्सर्ग तो होगा ही, जरूरी है श्वास के लिए, और कोई प्रयोग करने की जरूरत नहीं, केवल कायोत्सर्ग की मुद्रा में श्वास को देखते रहना, श्वास पर ध्यान केंद्रित करना, आते जाते श्वास को देखना, अनावश्यक स्मृतियां नहीं होगी, अनावश्यक कल्पनाएं नहीं होगी, अनावश्यक विचार नहीं होगा, और अशुद्ध भाव भी कम आएगा, समाप्त हो जाएगा या बहुत कम आएगा, कभी आए भी गया तो बहुत कम। वह भाव शुद्धि का जीवन जो एक अध्यात्म की साधना का महत्वपूर्ण प्रयोग है वह सधेगा, पर निश्चित जानो कि कोरा जानने का विषय नहीं है, कोरा पाठ पढ़ने का यह विषय नहीं है, केवल अध्ययन का विषय, शिक्षण का विषय नहीं है, यह प्रयोगात्मक है। प्रयोग जो व्यक्ति इतने समय तक करेगा, मैं निश्चय की भाषा में, ऐसे व्यवहार में तो नहीं, पर इसमें तो निश्चय की भाषा में भी कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति इसका प्रयोग करेगा वह निश्चित ही साधना की सिद्धि प्राप्त कर लेगा, वहाँ तक पहुँच जाएगा, बहुत सारे क्लेश उसके समाप्त हो जाएंगे। जो करता भी नहीं, 10 मिनट भी नहीं लगाता, तो चाहे साधु बन गया चाहे गृहस्थ रहा, वही राग द्वेष कलह कदाग्रह, वही क्रोध अहंकार सताते रहेंगे। जो प्रश्न है भी, परलोक की आराधना कौन करता है, पुनर्जन्म अगला जन्म होने वाला है उसकी आराधना कौन करता है, कौन साधना करता है जिसे परलोक अच्छा हो, तो उत्तर दे सकते हो जो वीतराग धर्म की साधना करता है। तो फिर प्रश्न होगा कि वीतराग धर्म की साधना कौन करता है, कि जिसका भाव शुद्ध होता है, तो भाव शुद्ध कैसे होता है, किसका होता है, कि जो भाव सत्य की, जिसमें भाव सत्य की शक्ति चेतना विद्यमान है। इसलिए हम भाव शुद्धि, भाव सत्य, वीतराग धर्म की आराधना और परलोक धर्म की आराधना, इन चारों पर खूब गहराई से मनन कर और एक अध्यात्म की इस भूमिका का निर्माण करें, जिससे अलग पता लगे कि यह आदमी आध्यात्मिक है, यह धार्मिक आदमी है, अध्यात्म की साधना करने वाला कितना खुश है। बदनम प्रसाद सदनम, एक सामान्य लक्षण है कि बदनम प्रसाद लक्षणम, यह देख लो कि जिसका चेहरा हमेशा प्रसन्न रहता है, जिसमें उदासी मुरझाया हुआ चिंता शोक मग्न रहता है, तो समझ लो धर्म की आराधना नहीं कर रहा है। सबके लिए लक्षण है ये कि उसको इतना प्रफुल्ल एकदम रहना चाहिए। सदयम हृदयम, जिसके हृदय में करुणा है दया है, तो समझ लो वह वीतराग धर्म की साधना कर रहा है, और जिसमें क्रूरता है, मानवीय व्यवहार में भी क्रूरता, दूसरों के साथ भी कठोर व्यवहार करता है, तो समझ लो वह न धर्म की साधना कर रहा है, न परलोक धर्म की आराधना कर रहा है।
एक बहुत स्पष्ट हमारे सामने गणित का सा प्रश्न है, दो दो चार देख लो, दो दो चार का सा प्रश्न है। इस पर खूब गहराई से चिंतन करें तो शायद अध्यात्म का रास्ता बहुत प्रशस्त हो सकेगा। ओम आराम। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे।